तो शिवराज कैबिनेट का बहुप्रतीक्षित विस्तार गुरुवार को हो गया। विस्तार में महाराज समर्थकों की भरमार के साथ ही बीजेपी के कई पुराने दिग्गज मंत्रिमंडल से बाहर हो गए। कांग्रेस ने विस्तार पर सवाल खड़े किए हैं। विस्तार के जरिए सरकार और संगठन ने उपचुनाव के बिसात में अपनी चाल मजबूती और दमदारी से चलती है। 100वें दिन शिवराज कैबिनेट का विस्तार, सरकार में महाराज समर्थकों की भरमार, कई पुराने दिग्गज नहीं बना पाए जगह। कमलनाथ बोले, जनता के साथ मजा, कई दिनों और कई दौर का मंथन, लंबा इंतजार, कड़ी मशक्कत और थका देने वाली माथापच्ची के बाद आखिरकार गुरुवार को शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। राजभवन में प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं गोपाल भार्गव, मैं विश्वास सारंग ईश्वर की शपथ लेता हूँ। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अछोड़ रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। 100वें दिन हुए विस्तार में सिंधिया खेमे के 12 चेहरों के साथ बीजेपी के 16 विधायकों को जगह मिली। इसके साथ ही अब शिवराज कैबिनेट में मुख्यमंत्री को मिलाकर 34 सदस्य हो गए हैं। गुरुवार को जिन कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली उनमें बीजेपी से गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, जगदीश देवड़ा, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया, विश्वास सारंग, ओम प्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और प्रेम सिंह पटेल शामिल हैं। तो सिंधिया खेमे से बिसाहूलाल सिंह, एंदल सिंह कंसाना, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, हरदीप सिंह डंग और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव शामिल हैं। नए राज्य मंत्रियों में बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, राम खिलावन पटेल और राम किशोर कामरे हैं। तो सिंधिया समर्थक विजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया को राज्य मंत्री बनाया गया है। शपथ लेने के बाद नए मंत्रियों ने नई जिम्मेदारी देने के लिए संगठन का आभार जताते हुए भरोसा दिलाया कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। कोई राजनीतिक समीकरण नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही अपने आप में बहुत बड़ा समीकरण है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ भी सिंधिया जी का जो ये खेमा है वो शामिल, कोई खेमा नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी खेमा है, इसके अलावा कोई खेमा नहीं। बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बना है, वरिष्ठ भी है, युवा भी है, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व का प्रयास किया गया है। कोई असंतुष्ट नहीं है, देखिए संख्या सीमित है, कभी किसी को अवसर मिलता है, कभी किसी को अवसर मिलता है, ये तो बदलाव चलते रहते हैं। सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका कोई खेमा नहीं। क्या प्राथमिकताएं होंगी सर? हमारी प्राथमिकता तो फिक्स है, भाजपा की, प्रदेश का कल्याण और जनता का विकास। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि सभी साथी बीजेपी के हैं, तो सिंधिया भी अपने अंदाज में नाराजगी की खबरों को ज्यादा तवज्जो देने से बचते दिखे। केवल भारतीय जनता पार्टी है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कई कार्यकर्ता आज मंत्री बने हैं। हमारे पार्टी में दूसरा कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। अलग अलग जवाबदारियां अलग अलग समय पर अलग अलग मित्रों को दी जाती है। नहीं, कोई उपचुनाव नहीं, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए है। चंबल क्षेत्र के ज्यादा मंत्री बनाए हुए, पूरा मध्य प्रदेश एक। इन चीजों में नहीं जाता कि कहां ज्यादा है कहां कम है। जब व्यक्ति संविधान का शपथ लेता है तो वो व्यक्ति पूरे प्रदेश के लिए समर्पित होता है, 7.5 करोड़ जनता के लिए समर्पित होता है, और वो व्यक्ति एक सेवक के रूप में अपना दायित्व निभाता है। और इसलिए जो पूर्व में कांग्रेस की विचारधारा थी कि कुर्सी पकड़ो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, इस बार सेवक के रूप में ये सारे के सारे हमारे 34 मुख्यमंत्री समेत जो शिवराज सिंह जी की पुरानी एक पुश्तैनी सोच और विचारधारा भी है कि सेवा के रूप में मध्य प्रदेश को हमें आगे बढ़ाना है। संगठन सबका ध्यान रखता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई उपेक्षित और अपि नहीं रहेगा भाई, यहाँ सभी का तालमेल है। भारतीय जनता पार्टी समुद्र है, सब समाहित। सीएम शिवराज की नई टीम में उनके कुछ पुराने सहयोगी जगह नहीं पा पाए। इनमें गौरीशंकर बिसेन, रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ला, पारस जैन, सुरेंद्र पटवा, जालम सिंह पटेल और संजय पाठक के नाम शामिल हैं। सिंधिया समर्थकों को नई सरकार में एडजस्ट करने के चलते बीजेपी के पुराने और वफादार नेताओं को नई सरकार में मंत्री पद नहीं मिल पाया।
सरकार में जगह न मिलने से ये दिग्गज निराश तो हैं, लेकिन पार्टी के फैसले को स्वीकार भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अपने इस दावे पर कायम है कि विस्तार के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। अपने क्षेत्र का प्रदेश के विकास के लिए भी हम काम करेंगे, उसमें काम करने में मंत्री होना आवश्यक नहीं है। सरकार को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने के लिए आवश्यक है कि जो हमारे साथी लोग आए उनको उपयुक्त स्थान मिले। उन उपचुनाव में हमारे सभी 22 ये क्षेत्र और दो हमारे जो अन्य चुनाव हैं ऐसे कुल 24 में भाजपा को जब विजय श्री मिलेगी तब तो सरकार इससे सरकार। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री जो हैं वो एक तरह से पावरलेस हो गए हैं, उनकी इस मामले में चली नहीं। जो वरिष्ठ स्थिति है कि जो अपनी मूल पार्टी को धोखा दे गए, लंबा लेन देन हुआ वो तो संबंधी बन गए, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आरएसएस के लोग जिन्होंने पसीने खून से सींचा उनकी पार्टी को, वो सब बाहर हो गए। विस्तार के बाद अब शिवराज मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 34 सदस्य हो गए हैं। महाकौशल क्षेत्र से सिर्फ एक मंत्री को जगह मिली है। वहीं सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल में 11 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट में सिंधिया का दबदबा साफ नजर आता है। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मिलाकर शिवराज मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने विस्तार में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर पूरी तरह फोकस किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।